क्या पढ़ेंगे हम लोग आज? क्या पढ़ेंगे? कंजक्शन को हिंदी में क्या बोलते हैं? हाँ, ये होता क्या है? पहले समझो ये होता क्या है। इसका एक ही काम है, ये जोड़ता है। क्या करता है? जोड़ता है, ज्वाइन करता है। जो ज्वाइन समझ रहा है, जोड़ना। क्या होता है ज्वाइन? जोड़ना। किसको जोड़ता है? तार को जोड़ता है, कनेक्शन जोड़ता है। किसको जोड़ेगा? दो या दो से अधिक वर्ड्स को जोड़ेगा, दो या दो से अधिक क्लाउजेज को जोड़ेगा, दो या दो से अधिक फ्रेजेज को जोड़ेगा, दो या दो से अधिक सेंटेंसेज को जोड़ेगा। किसको जोड़ेगा? सेंटेंसेज को जोड़ेगा। इसका काम है सिर्फ जोड़ना। क्या काम है? जोड़ना। कंजक्शन ऐसा शब्द है जो क्या करता है? शब्दों को जोड़ता है। दो या दो से अधिक होना चाहिए। क्लाउजेज, क्लाउजेज मीन्स क्या होता है? उपवाक्य। यहाँ शब्द, वर्ड्स मीन्स क्या हो गया? शब्द। ये क्या हो गया? उपवाक्य। क्या हो गया? फ्रेज। क्या हो गया? शब्द समूह इसको बोलते हैं। क्या बोलते हैं? शब्द समूह। क्या बोलते हैं? और सेंटेंस तो सबको पता है क्या होता है? वाक्य। जो शब्दों, उपवाक्यों, शब्द समूहों तथा वाक्यों को जोड़ता है क्या कहलाता है? क्या कहलाता है? वर्ड्स को, क्लाउजेज को, फ्रेजेज को और सेंटेंसेज को क्या करे? ऐड करे। क्या कहलाता है? एग्जाम्पल से समझना। एग्जाम्पल से, लालू यादव एंड नीतीश कुमार। नीतीश कुमार, नीतीश कुमार, समझ गया? लालू यादव एंड नीतीश कुमार, ये देखो दोनों को जोड़ दिया। किसने जोड़ दिया रे? एंड क्या हो गया? एंड क्या हो गया? पुअर बट ऑनेस्ट। पुअर बट क्या हो गया? बट क्या हो गया? कंजक्शन हो गया। दो शब्दों को जोड़ दिया। हाँ, नाउन है रे, शब्देन हुआ। अरे नालायक, कुछ भी लिखेंगे किसी ना किसी पार्ट्स ऑफ स्पीच में आएगा। आएगा कि नहीं आएगा? हम क्या लिख सकते हैं? नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडजेक्टिव, यही लिख सकते हैं रे। और क्या लिखेंगे? कुछ हो लिखेंगे, नाउन होगा। कोई भी नाम लिखेंगे क्या होगा? नाउन होगा। नाउन में नहीं पढ़ाए थे? क्लास मिस किया है तुम? क्लास मिस किया है तो नाउन में नहीं पढ़ाए थे? पर्दा से लेके टीना तक क्या है? धूल। क्या है? ये जो अभी कुहास गिर रहा है, ओस हवा के साथ, क्या है? बोलो, नाउन है, है ना? समझ में आया? आया रे? आई सेल हेल्प यू, आई सेल इफ यू कम टू मी, If you come to me, ध्यान देना यहाँ पे क्या ध्यान देगा? If यहाँ पे क्या है? Conjunction है। जो एगो क्लाउज यहाँ है, ये एक क्लाउज है और ये भी क्या है? एक क्लाउज है। क्या है? ये भी एक क्लाउज है। दोनों क्लाउज को कौन जोड़ता है रे? If जोड़ता है। इट मीन्स if क्या हो गया? Conjunction हो गया। क्या हो गया? कंजक्शन हो गया। समझ में आ रहा है? इसका काम है सिर्फ जोड़ना। क्या काम है? जोड़ना। समझ में आ रहा है रे? आई, सॉरी, यू आर स्टूडेंट्स, यू आर स्टूडेंट्स एंड आई एम अ टीचर, आई एम अ टीचर, आई एम अ टीचर। ध्यान देना, यू आर स्टूडेंट्स, यू आर स्टूडेंट्स, तुम लोग क्या हो? I am a teacher, मैं एक शिक्षक हूँ। यहाँ भी एक सेंटेंस है, क्या है? यहाँ भी एक सेंटेंस है और यहाँ भी क्या है? एक सेंटेंस है। अब बता दो, ये हुआ मेरा सेंटेंस और ये भी हुआ मेरा क्या हो गया? सेंटेंस। और बीच में इसको जोड़ दिया। जोड़ने वाले को हम लोग क्या बोलेंगे? कंजक्शन। क्या बोलेंगे? क्या बोलेंगे? कंजक्शन। इसका काम है सिर्फ, क्या काम है? जोड़ना। जंक्शन समझता है? जंक्शन रेलवे में होता है। जंक्शन कटिहार जंक्शन, इधरों ट्रेन जाती है, इधरों ट्रेन जाती है, इधरों ट्रेन जाती है, ऊपरों ट्रेन जाती है, ऊपर नहीं जाती है। हाँ, तो जहाँ वो जुड़े सब मिले आकर के, उसको क्या बोलते हैं हम लोग? जंक्शन। और जब हम लोग
पढ़ेंगे तो वहाँ पे क्या आता है, कंजक्शन, शब्दों उपवाक्यों शब्द समूहों तथा सेंटेंसों को क्या करता है, जोड़ता है। लिखेगा, लिख लो। डेफिनेशन लिखना, वह शब्द जो जो वह शब्द जो शब्दों शब्दों शब्द समूहों शब्दों शब्द समूहों लिख लिया, उपवाक्यों 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 तथा 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 वाक्यों को जोड़ता है। क्या लिखा, वह शब्द जो शब्दों शब्द समूहों उपवाक्यों तथा वाक्यों को जोड़ता है क्या कहलाता है, कंजक्शन कहलाता है। क्या कहलाता है, कंजक्शन कहलाता है। लिखेगा, लिखना, डेट वर्ड विच ज्वाइंस, डेट वर्ड विच ज्वाइंस, डेट वर्ड विच ज्वाइंस, विच ज्वाइंस, विच ज्वाइंस वर्ड्स वर्ड्स फ्रेजेज फ्रेजेज क्लाउजेज और सेंटेंसेज सेंटेंसेज डेट वर्ड विच ज्वाइंस वर्ड्स फ्रेजेज क्लाउजेज सेंटेंसेज इज नॉन एज इज नॉन एज अ कंजक्शन अ कंजक्शन कंजक्शन इज नॉन एज अ कंजक्शन। और ओ आर और या एक लड़की थी मक्खा तकिया की, वो एक दिन क्लास एबसेंट की, हम बोले अरे तुम तो यहीं थी, हम तो तुमको सुबह में देखे थे, क्लास क्यों नहीं आई। नहीं जानते हैं सर, हम गेट से निकलिए रहे थे कि सामने में एगो बकरी जा रही थी और वो छींक दी। छींक दी तो समझ जाइए जतरा खराब है, आप मारते यहाँ इसीलिए नहीं आए।